ओके एवरीवन, सो माय नेम इज अवर्ड एंड ब्रो, आज अपन GTA 5 के अंदर ब्रो एक नया वाला शोरूम देखने वाले हैं। ठीक है ना, तुम लोग आ जाओ या फिर बातें करते हैं। लेस्टर वगैरह का भी बहुत बात है यार, आ जाओ चलो। ओके, तो तुम देख सकते हो भाई कि आज ना अपन वापस से अपने पुराने वाले घर पर खड़े हैं यार, सेम कपड़ों में खड़े हैं, बिकॉज मैं नया नहीं हूँ भाई। नया कैसे आदमी यार, तुम देख रहे हो बर्फबारी हो रही है लॉस सैंटोस में, आज देख रहे हो तुम मेरे शोरूम के ऊपर बर्फ गिर रही है बहुत मस्त तरीके से। पागल लेके फ्रैंकलिन यार, सर्दी पड़ रही है, तू क्या कर रहा है, ये कूद गया अंदर की तरफ बेवकूफ। अरे भाई यार, सर्दी पड़ रही है फ्रैंकलिन भैया, कुछ सर्दी गर्मी नहीं लगती तेरे को ना? तो खैर भाई, तो मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम देख सकते हो भाई लॉस सैंटोस के अंदर आज ना बहुत ही तेज वाली बर्फबारी हो रखी है यार। दूर दूर तक अपने को कुछ नहीं दिख रहा है, पास का बड़ा क्लियर दिख रहा है ना, लेकिन दूर का कुछ नहीं दिख रहा है। अलग तरह की विचित्र बातें हैं ये, बट आज अपने बकवास नहीं मारेंगे, बिकॉज ब्रो आज ना अपने को बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। बट उससे पहले थोड़ी सी बकवास करूंगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चॉप अपना भाई सुबह सुबह उठ के योगा कर रहा है, तुम देख रहे थे, वो भी मैं आ गया, डिस्टर्ब हो गया, बाकी योगा कर रहा है अपना बंदा, है ना। चॉप करके बताना योगा करना मेरे ऊपर, क्या बोक रहा है पागल है क्या, बेइज्जती कराएगा मेरी। तो गाइस, तुम लोगों को जैसे पता है कि लास्ट वाले वीडियो में अपन गए थे लेस्टर को बचाने के लिए, ठीक है, वो बिल्कुल हेवन टाइप के स्टेयरवे थे, पागलों से चढ़ता गया मैं। एंड उस बंदे का आज सुबह सुबह मेरे पास कॉल आया, उसने बोला देख फ्रैंकलिन तेरे लिए एक बहुत ही सही चीज है। तो गाइस, तुम लोगों को पता है कि लास्ट से कुछ दिन अपने लिए खास नहीं जा रहे, बिकॉज लेस्टर ब्रो चोरी हो चुका है यार। चोरी बोले तो किसने किडनैप कर लिया, अपने को नहीं पता किसने किडनैप करा है, बट हाँ कोई एक बंदा है जो कि अपने को बता रहा है कि उसको पता है लेस्टर कहाँ पे, ठीक है ना। उसने अपने क्लू भी दिए काफी ज्यादा कि तुम मेरे को यदि कार देगा तो मैं तुमको बता दूंगा एक्जैक्टली लेस्टर कहाँ पे, लेस्टर सेफ भी है उसके हिसाब से। तो अरे अपने को ना ब्रो उसको कार देनी थी, तो लास्ट वाली वीडियो में मैं गया था वागोस वालों के पास में, बिकॉज तुम्हें पता है उनके पास में टूटी फूटी हर कार होती है। अपने को चाहिए थी 5 गोल्डन विंटेज कार, ठीक है, तो एक असली की ओरिजिनल विंटेज कार तो मैंने सीमेन से बाय कर ली थी, जो कि $2.1 मिलियन की अपने को पड़ी थी। एंड बाकी के 4 टूटी फूटी कार जो कि अपने को पड़ी थी अराउंड $2.5 मिलियन की, तो वो अपन लेकर के आया। बट अभी क्या हुआ ना भाई, एक बहुत ही खतरनाक चीज हो गई। एग्जैक्टली क्या है मैं तुम्हें कार में बैठ के बताता हूँ, अपनी लाफ फरारी में बैठ के बताता हूँ यार। तो भाई अभी अपने पास में कॉल आया उसी बंदे का जिसके पास अपन गए थे, जिसके पास लेस्टर की सारी जानकारी है। उसने अपने को बोला है कि फ्रैंकलिन देख, मेरे को आज कार नहीं चाहिए, ठीक है यार, मेरे को कार चाहिए 2-3 दिन के बाद में, और उससे पहले मेरे से कांटेक्ट करने की ट्राई मत करना, बिकॉज मेरे पीछे पड़ी है पुलिस, ठीक है, तो इसलिए ना मैं दूर रहूंगा तेरे से, ज्यादा लॉस सैंटोस में नहीं रहूंगा, मैं लॉस सैंटोस के बाहर जा रहा हूं। एंड मैंने कहा भाई वो सब तो ठीक है यार, लेस्टर भैया को देके जा, बट वो बोल रहा नहीं, उसको पहले 5 गोल्डन कार चाहिए विंटेज वाली, देन ही वो लेस्टर का पता बताएगा अपने को। बट वो बोल रहा है कि देख लेस्टर बिल्कुल बिल्कुल सेफ है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसके पास में। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं देखो अपने पास में कुछ ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज अपने को भाई उस बंदे के बारे में 1% भी नहीं पता है कि कौन है, क्या करता है, क्या नाम है, कैसे दिखता है, अपने को कुछ भी नहीं पता उसके बारे में यार। अगर मेरे को कुछ पता होता ना फिर भी मैं ट्राई करता, बट ब्रो अभी ना अंधे में तीर चलाने से फायदा नहीं है, अंधेरे में तीर चलाने से फायदा, तो बोलने का मतलब मेरा ये कि अभी अंधेरे में तीर चलाने से बिल्कुल भी फायदा नहीं है, ठीक है ना यार। तो जैसा उसने बोला अपन वही काम करने वाला है। उसने कहा है कि 2-4 दिन शांत बैठ जाओ, तो भाई शांत बैठ जाते हैं, और तो क्या ही कर रहे हैं यार अभी। एंड सच बताऊं ना गाइस, तो मैं भी चाह रहा था यार ये चीज थोड़ी सी डिले हो जाए, बिकॉज ना जो कल अपन गाड़ी खरीद के लाए थे, तो मैंने सोचा था कि कल वो कार्स को अपन दे देंगे बुल्ला को एंड बैनी को, एंड देन वो दोनों मिलकर मॉडिफाई कर देंगे। बट सच तो यह है भाई कि वो कार उन तक पहुंची नहीं है अभी, ठीक है ना, मॉडिफिकेशन बहुत दूर की बात है यार, उनके पास गाड़ी नहीं आई है, बिकॉज वो गधा जो था ना यार वैगोस गैंग वाले, उन्होंने गाड़ी डिलीवर नहीं करी, अपने को जाना पड़ेगा गाड़ियों को लेने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, अपने पास वैसे भी अभी 2-4 दिन है, तो अब कोई दिक्कत की बात खास है नहीं यार। तो अभी अपन जाने का इस वैगोस के एरिया में, ठीक है, वापस से वो जो क्या है भाई ये, मैं इतने अच्छे से कार चला रहा हूँ, सामने आ गई एकदम से यार, रेड सिग्नल है तो क्या हो गया, मतलब इतना तो देख सकती है ना यार वो। तो अभी मैं जा रहा हूँ गाइस वागोस वालों के एरिया में, बिकॉज वहां से अपने को लाना है कार से भरा हुआ, टूटी कार से भरा हुआ, टूटी विंटेज कार से भरा हुआ ट्रक, ठीक है, वो अपने को लेकर के जाना है बुल्ला के पास में। तो सबसे पहले अपन जाते हैं वागोस के एरिया में, एंड बाकी के काम जो है वो तुम्हें बताता हूँ अभी। ओके, तो अभी अपन एंट्री तो कर चुके हैं यार, मेरे को हर बार ढूंढना पड़ता है भाई उन गधों का एरिया कहाँ पर है यार, ये इधर ही तो कोई था उसका, इधर नहीं है, नहीं नहीं ये वाला नहीं है, किधर है भाई। ओके गाइस, फाइनली अपने को एरिया मिल चुका है, ठीक है, काम करता हूँ मैं अपनी ना इस गाड़ी को यहाँ पे पार्क करता हूँ, एंड देन चलते हैं अंदर बेवकूफों के पास में, उनसे बात करते हैं कि भाई ट्रक कहाँ पे खड़ा है, एंड देन यहाँ से निकलते हैं और चलो। तो तुम देख सकते हो ब्रो सामने बैठा है बंदा, ठीक है ना, बड़ा स्टाइल मार के बैठता है हमेशा एक तो ये, मतलब मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना इस बंदे बेवकूफ ने, कल अपनी कार डिलीवर नहीं करी, मैंने उसको बोला था कितना अर्जेंट है अपने को यार, लश्य भैया की बात थी, मन तो कर रहा है इसको पीट दूं, बट भाई इसके आसपास बॉडीगार्ड्स खड़े रहते हैं, ठीक है, तब इस बेवकूफ से बात करता हूँ। ओए मिस्टर, ओए हवा में उड़ रहा है, आप स्टाइल मारने वाले, एक थप्पड़ दूं
अबे पूछते हैं इससे यार, चलो। ओके भाई, फाइनली मैंने इससे पूछ लिया। ये बोल रहा है कि ट्रक जो है बाहर ही खड़ा है, जाके देख ले यार। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है यार, एक काम करते हैं भाई, आजू बाजू का ट्रक खड़ा है ठीक है, उसके अंदर अपनी कार भी लोड करनी है अपने को। बट खड़ा कहाँ पे भाई ट्रक यार, इस तरफ से तो अपन आए हैं, इस तरफ से मेरे को कहीं दिखा नहीं है ट्रक। एक मिनट रुको तुम, अभी मैं किसके घर में घुस गया ये? अरे मैं कहाँ पर आ गया हूँ भाई, गेट का है। तो ट्रक किधर है भाई? ओके तो ट्रक आ चुका है, अभी आया ठीक है। मतलब अपन पहले यहाँ से आए थे ना, अपने को पहले नहीं दिखा था, ट्रक अभी आया। बेवकूफ मेरे को पागल बना रहा है भाई ठीक है। बट जो भी है, ट्रक फाइनली आ चुका है, इसके अंदर अपनी कार्स पड़ी हैं ठीक है ब्रो। अपने को फाइनली ये चार जो कूड़ेदान कार्स है, अभी कूड़ेदान विंटेज कार है, इनको गोल्डन विंटेज कार्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इनको लेके जाने में को बुल्ला के पास में, वहाँ पे बैनी भी आ चुका है गाइस, वो भी काम करेगा, मिलके काम करेंगे ठीक है ना। बस अपन काम नहीं करेंगे बिकॉज अपने को और काम करना है। तो फाइनली मैं काम करता हूँ, अपनी फरारी को भी अंदर लोड करता हूँ ठीक है, देन मैं तुमसे मिलता हूँ ट्रक के अंदर, चलो सीधे। ओके भाई, तो फाइनली मैं ट्रक के अंदर बैठ चुका हूँ भाई, मैंने अपनी फरारी को भी लोड कर दिया अंदर की तरफ, अंदर अपनी चार कूड़ेदान वाली विंटेज कार्स भी रखी हुई हैं, मैंने चेक कर लिया है सब कुछ ओके। अभी फाइनली अपन यहाँ से निकल रहे हैं सीधे बुल्ला के पास, बिकॉज आज मैं लेट नहीं चाहता हूँ, ऑलरेडी भाई अपन एक दिन लेट हो चुके हैं यार। चलो यहाँ से कैसे टन लूंगा ब्रो मैं, अबे कितनी गंदी जगह है भाई ये, ट्रक तो अपना अड़ेगा कहीं ना कहीं आराम से बिल्कुल पीरो ना इसमें को दिखा नहीं हो कि तुम देख रहे हो कितना सा बच रहा है, बस कमॉन थोड़ा सा। ओके ब्रो, फाइनली मैंने ट्रक को निकाल लिया यार, स्किलफुल आगे भाई ठीक है अपन। एंड अभी मैं जा रहा हूँ डायरेक्टली बुल्ला के पास में। देखो यार गाइस, एक तो दिक्कत ये है ट्रक में कि इसको चलाना बड़ा मुश्किल है ठीक है, बहुत ही ज्यादा बड़ा ट्रक है यार। एंड यहाँ पे जो गलियाँ है ना, तुम देख रहे हो बंदे कैसे आ रहे हैं। अरे भाई साहब, तूने मेरी गाड़ी ठुकवा दी भाई, कौन है तू, मार भी नहीं सकता मैं उसको भी। एंड सामने की तरफ, अरे हट जा रे, अरे हटना तेरी ये ले, हटेगा नहीं। ट्रक पीछे से हॉर्न दे रहा है, हट नहीं रहा है भाई साहब यहाँ से। तो गाइस अभी क्या है ना, मेरे पास यार एक दिक्कत आ रखी है, वो दिक्कत ये है कि देखो अपना मैक्सिमम जो पैसा था ना, मतलब बोले तो $5 मिलियन जो अपने पैसे, अराउंड $5 मिलियन वो अपने खर्च हो चुके हैं भाई गाड़ियाँ खरीदने में ठीक है। एंड अपने पास टोटल अमाउंट थे $8 मिलियन जो कि मैंने, माइकल ने, ट्रेवर ने मिलकर करे थे ब्रो। अपने बाकी के बचे हुए $3 मिलियन अपने पास है। एंड ब्रो $3 मिलियन में तो कुछ भी नहीं होगा लिटरली यार, मतलब मान लो तुम एक कार होगी जो कि गोल्ड में कन्वर्ट होगी, बस उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अपने को करना है भाई 5 कार्स को कन्वर्ट ठीक है गोल्ड के अंदर। तो मैंने कुछ जुगाड़ लगाया है, अभी जुगाड़ में तुम्हें एक्जैक्टली बताऊंगा बुल्ला के वर्कशॉप पे पहुंचने के बाद में ठीक है यार। बस वो जुगाड़ काम कर जाएगा ना, मजा आ जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ भाई, मजा आ जाएगी बहुत ज्यादा वाली, बल्ले बल्ले हो जाएगा। बट यार देखते क्या रहता है, हालांकि मैंने बुल्ला से बात करी है इस बारे में, उसने कहा काम कर जाएगा। तो एक्जैक्टली क्या है मैं तुम्हें पहुंच के बताऊंगा, अभी थोड़ा सा सब्र करो ठीक है। एंड ये देख रहे हो भाई साहब, ये ट्रक ना मैंने लिटरली 3-4 बार चला लिया है भाई। इसको चलाने के बाद ना, मतलब सड़क पर जब चलता है ना ट्रक, आजू बाजू वाले बिल्कुल चींटी टाइप के लोग लगते हैं ठीक है ना। मतलब ऐसे चलते चलते मैं, ये चल रहा है अपना ट्रक है, उड़ा दो, दिक्कत नहीं है भाई, कचरा हटाओ सामने से यार, वो अभियान है इस जगह ठीक है। क्लीन लॉस सेंटोस होगा साफ अब ठीक है, स्वच्छ बनेगा मेरा लॉस सेंटोस। ओके तो मिजता मेरे को याद है ना, बुल्ला की दुकान ये दिख गई अपने को। ओके बहुत सही। एंड मैम आप हट जाओ, ट्रक आ रहा है यार सामने से, रोक रही है हाथ करके। तू कौन है बे, कैप्टन मार्वल ले क्या, ऐसे रोक ली कि ट्रक को यार, मजाक बना रखा है इन्होंने। मैं यहाँ से ट्रक को घुसाता हूँ, अगर घुसा पाया तो ठीक है, अड़ेगा। बट कोई नहीं, थोड़ा दम लगाते हैं अभी अपन, रुको थोड़ी यहाँ पे तरकीब काम में लेनी होगी गाइस ठीक है। रुको मेरे को मेरा तजुर्बा काम में लेने दो तुम एक बार, ठीक है अब जा सकता है ना ट्रक, कमॉन यार प्लीज़ भाई, इज्जत तो बचा ले थोड़ी सी यार। ओके फाइनली कैसे तैसे घुसू का मैंने घुसा दिया ट्रक को ठीक है अंदर की तरफ यार। तो ट्रक को फाइनली मैं यहाँ पे पार्क कर देता हूँ, अंदर चलते हैं भाई बुल्ला के पास में, सारी गाड़ी को करते हैं अनलोड यहाँ से एंड चलते हैं। एंड भाई मेरे को अभी एक चीज और याद आई है, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ, बट पहले मैं सारी गाड़ियों को बाहर निकाल लेता हूँ चलो। ओके गाइस, फाइनली यार मैंने तीनों की तीनों कार्स को अंदर रख दिया यार। एंड बुल्ला एंड बैनी दोनों के दोनों यहाँ पे, दोनों अपने जिगर के टुकड़े यार यहाँ पे खड़े हुए ठीक है। ये दोनों के दोनों बंदे देख रहे हैं भाई कार्स को ठीक है। बैनी के भाई बॉडी लैंग्वेज देख के लग रहा है, सोच रहा है कहाँ फंस गया हूँ भाई जिंदगी में, मैं कैसे बनाऊंगा इसको एक दिन मैं गोल्ड के यार। तो ब्रो अभी देखो बुल्ला क्या कर रहा है ना, बुल्ला अपनी गाड़ी का परीक्षण कर रहा है, मस्त क्लिप बोर्ड पर लेकर कुछ ना कुछ तो लिख रहा है यहाँ पे। भाई साहब कार्स की हालत ना बहुत ज्यादा खराब है, सच बता रहा हूँ मैं, चारों टायर्स निकले हुए हैं, सब राख में मिल रखे हैं भाई, इतनी पुरानी गाड़ी कैसे उन बंदों के पास है, वाकोस वालों के पास में यार, वो ऐसा क्या कर रहा है भाई, इतनी पुरानी गाड़ी उसे अपने को बेची $2.5 मिलियन में, तुम समझ रहे हो भाई क्या कर रहा है। अब खैर जो भी है, विंटेज कार है अपने पास, कोई ऑप्शन नहीं था, अपने को जल्दीबाजी में चाहिए थी ठीक है। बट जो भी है, ये दोनों लोग अभी काम कर रहे हैं इस पे। एंड कल तक मैंने बोल दिया, देखो मेरे को कोई बहाना नहीं चाहिए, मेरे को कल तक कार चाहिए तो चाहिए ठीक है ना, मेरे को कोई भी रीजन नहीं सुन रहा तुम लोगों का। एंड गाइस मेरे को अभी एक चीज और याद आई है कि अपन लमार से अभी मंगाते हैं अपनी रॉल्स रॉयस, तुम्हें याद तो है ना कि अपनी रॉल्स रॉयस लमार के पास में है। तो मैं काम करता हूं, लमार को लगाता हूं कॉल की ब्रो मेरी लॉस लेके आ, दिमाग मत खराब कर ठीक है चलो। ओके गाइस सो फाइनली मैं लमार को भी कॉल कर दिया है, और बोल रहा है उसको थोड़ा टाइम लगेगा आने में, जब तक अपन एक काम करते हैं, गप्पे मारते हैं,
कोई दिक्कत नहीं, अपने पास टाइम है, बिकॉज आज तो मेरे को रोज रोज मंगता है तो मंगता है, पहले मैं रुक जाऊंगा, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं अपने को, जब तक अपन भी लोगों से बात कर लेते हैं। भाई क्या हो गया? मैंने भैया बहुत ज़्यादा दुखी लग रहे हो यार, कुछ काम हम चालू कर लो, अभी बहुत खड़े हो जब से। चलो गाइस कोई नहीं, अभी हम वेट करते हैं, देन मैं तुमसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद में, जब लमार अपने रोसर्स को लेकर आएगा ना तब अपन मिलते हैं। चलो तो गाइस फाइनली मेरे पास में लमार का कॉल आ गया। लमार बोल रहा मैं खड़ा हूँ भाई, ठीक है ना, लॉस सेंटोस कस्टम के बाहर यार, एंड इन लोगों ने भी काम करना स्टार्ट कर, तुम देख रहे हो भाई, बैन भी अपना काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ लेट के इस गाड़ी के नीचे कुछ कर रहे हैं, ठीक है यार। एंड जो अपने भाई बोला है ना, उसने भी कुछ वेल्डिंग वगैरह काम कर दिया, शायद ही यहाँ पे गेट लगाएगा इसका, खैर जो भी है लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया, कल अपन इनसे मिलेंगे, ठीक है। एंड अभी अपन चलते हैं बाहर, बिकॉज बाहर अपना लमार दोस्त आ चुका है अपने रॉल साइज को लेके। कहाँ पर है लमार? ओके ब्रो, इतने दिनों बाद अपने रॉल साइज देखिए ना, सच बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया यार, चलो बहुत सही है, इतने दिनों से पता नहीं कहाँ पर थी ये कार यार, लम्मा ने कहाँ का रबड़ा है इसको, मेरे को नहीं पता यार, अभी बैठ के देखूंगा स्थिति कैसी है, ठीक है ना, अगर मेरे कंडीशन खराब लगी ना मेरी कार के सारे पैसे लूंगा इससे। लम्मा भाई कैसा है ब्रो तू यार? बहुत सही यार, चलो तू लेके तो आ गया कम से कम, बाकी मेरे को लगा नहीं था, मेरे को लगा भाई इसने गाड़ी बेच दी है, पैसे भी उड़ा दिए, ठीक है ना, कहीं पार्टी वगैरह करके, बट कोई नहीं, गाड़ी अपनी सही स्थिति में लग रही है मेरे को तो, कहीं से भी कुछ बैंड वगैरह तो लग नहीं रहा है, सही है यार, स्क्रैच वगैरह भी ज्यादा कुछ खास नहीं आया, बहुत सही। तो अभी अपन कार में बैठते हैं, चलो लम्मा भैया आप निकल लो अपने घर, ठीक है, टैक्सी करके हम जा रहे हैं अपनी कार में, ठीक है, हम जा रहे हैं अपनी रॉयल्स रॉयस में यार। ओके भाई अपन फाइनली निकल चुके हैं, वो क्या दिख रही है ना अपनी कार यार, देखो गाइस रॉयल्स रॉयस को चलाने का ना अलग ही फील होता है सच्ची में यार, तुम देख रहे हो, मतलब क्लास है ब्रो, क्लास इसके अंदर, ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया इंटीरियर थी, मैं तुम्हें दिखाऊं तो तुम देख रहे हो अंदर से बहुत ही मस्त व्हाइट कलर का फुल इंटीरियर है अपना, एंड आराम से ओके बच गया गाइस, ठुकती अभी तो कार, बहुत सही यार, बट ब्रो मैं कह रहा हूँ ना रॉल्स रॉयस की अलग क्लास है, देख रहे हो क्या लुक आ रहा है साइड से यार, बहुत प्यारा। चलो कोई नहीं, अभी ना अपने को जाना है गाइस एक दुकान पर एक बंदे से मिलने के लिए, एंड अगर मैं तुम्हें बताऊंगा बंदा कौन है तो तुम्हें याद आएगा, क्योंकि तो बहुत पहले की बात है भैया यार, तो एग्जैक्टली क्या है तुम्हें याद होगा, मैंने बहुत दिनों पहले तुम लोगों से पूछा था कि ब्रो मेरे को एक नया गैरेज खरीदना है तो क्या मेरे को खरीदना चाहिए या नहीं, तुम से मैक्सिमम लोगों ने मैंने इंस्टा पे वोट करा कि भैया खरीदो, देन मैं गया था एक ब्रोकर से मिलने, उसने अपने को मिला था, उसने कहा था ठीक है मैं गैरेज ढूंढता हूँ, तो फाइनली उस गधे का कॉल आ गया मेरे पास मेरे को एक महीने बाद में यार, उसने बोला था कि मैं देखो दो दिन बाद बता दूंगा फ्रैंकलिन, बट उस गधे ने ना अपने को यार एक महीने बाद कॉल कराया, कोई खैर कोई नहीं कॉल तो करा अल्टीमेटली, बट वो बोला था मैं गैरेज नहीं ढूंढ पाया हूँ, मैंने दो शोरूम ढूंढे, ठीक है, तो अगर तू इंटरेस्टेड है तो बता यार, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, जो मिले चलेगा, पैसे ज्यादा कमाने अपने को, ठीक है, तो अभी मैं जा रहा हूँ उस बंदे को पिकअप करने, देन चलते हैं भाई अपने नए नए दो शोरूम को देखने, बोले तो अपने तो नहीं है बट अपन को खरीदने नहीं खरीदने देखने के बाद ही पता लगेगा ना। चलो तो गाइस शायद मेरे हिसाब से वो बंदा तुम देख रहे हो सामने जो खड़ा है ना वही है यार वो बंदा, बिकॉज खड़ा तो कुछ इस तरह से ही है, उसने बुलाया भी मेरे को यहीं था पाइपलाइन इनके पास आ जाना, तो आप ही हो क्या सर? हॉर्न बजाता हूँ। ओ भाई हाँ हाँ बैठ बैठ भाई, कहाँ खोया है ब्रो यार, कहाँ पर है यार? चलो गाइस फाइनली अपने गधा क्यों बोल रहे, चलो गाइस फाइनली ये अपना बंदा आ चुका है, ठीक है अपना ब्रोकर आ चुका है यार, सर सब बढ़िया ना जिंदगी में, आप कुछ खोए खोए लग रहे हो मेरे को, देख भी नहीं रहा है, कोई बात नहीं गाइस शायद कोई टेंशन में होगा, तो खैर कोई नहीं अभी अपन इसके साथ में चलते हैं अपना पहला शोरूम देखने के लिए, ठीक है यार देखते हैं भाई। पहला शोरूम अपने को हल्का वाला दिखा रहा है, ये बोल रहा है पहला कोई इतना खास नहीं है, सस्ता ही है बड़ा ही, ठीक है ना, कुछ $5-7 million का इधर को मिल जाएगा, तो मैं कहूँ ठीक है यार चलते हैं पहले शोरूम पर, देन देखते हैं भाई कैसा लगता है अपने को, इतना सस्ता मिल रहा है तो गाइस एक तो मेरे को उम्मीद कम है, अगर थोड़ा भी अच्छा हुआ ना तो मैं लेने की सोचूंगा उसको, ठीक है, बिकॉज 5-7 million कोई ज्यादा नहीं होते, देखते हैं अपन क्या करेंगे उसके। तो ब्रो ये बोला है सस्ता वाला शोरूम ना इसी एरिया के आसपास में है, तो वैसे देखो यार ये वाला एरिया ना बीच के आसपास का एरिया है, तो अपने यहाँ पे कभी रहे नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ अपने खरीदी नहीं है, तो खरीद सकते हैं अपन, देखते हैं एक बार भाई कैसा है, ठीक है उसके बाद ही डिसीजन बनाऊंगा यार, नहीं तो पता लगे बहुत खराब हो जाए, अभी मैं हाँ कर दूँ तो कोई मतलब नहीं है। चलो ओके मैंने कुछ ज्यादा ही तो नहीं कुदा दिया इसको कहीं, रॉयल्स रॉयस है भाई ये। ओके भाई फाइनली अपन आ चुके हैं, ठीक है अपने पहले शोरूम के पास में, सस्ते वाले शोरूम के पास में, अभी मैं गाड़ी को ढंग से टर्न करता हूँ, ठीक है, एंड ये शायद जॉगिंग ट्रैक है लोगों का, मैंने गलत गाड़ी घुसा ली अंदर की तरफ मैम सॉरी यार गलती हो गई, कोई नहीं अभी काम करते गाड़ी को पार्क करते हैं अपन। तो सर ये शोरूम तो ठीक है, कोई जोरदार तो मेरे को लग नहीं रहा शोरूम, ठीक है यार गाइस मतलब सस्ता है, टिकाऊ टाइप का लग रहा है मेरे को, ओके ऐसे कुछ वुडन फ्लोरिंग हो रखी है इसमें, ठीक है ऊपर की तरफ छत भी है, काफ़ी बड़ा भी है, छोटा तो नहीं है, एंड ये बंदा शायद शोरूम का फोटो वगैरह खींच रहा है, अभी नया ही बनाया है उन्होंने शायद, है ना, मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है ये। तो गाइस देखो शोरूम तो काफ़ी बढ़िया है, देख रहे हो काफ़ी गाड़ी आ जाएंगी इसके अंदर, बट कुछ दम वाली बात नहीं है, ठीक है बड़ा ही सिंपल सा है, अरे भाई नच मत यार, 2 मिनट शांति से बैठ जा, मूड पर ही नच रहे थे देर से यार, तो ठीक है मान लिया मैंने, ओके हो गया, इतना ही देखना था मेरे को, वैसे ऐसे नज़र में तो काफ़ी बढ़िया दिखता है ना समुद्र का,
ये बात तो है ब्रो, ठीक है, बट कोई नहीं, अपने को ही नहीं मंगता है गाइस। चलो चलो चलो, आ जाओ सर, आ जाओ यहाँ से। मरा तो नहीं ना, बच गया बच गया बच गया। तो ये तो अपने देख लिया गाइस पहला शोरूम, अभी चलते हैं दूसरे शोरूम के पास में, जो कि थोड़ा सा महंगा शोरूम है। इसके हिसाब से 30-40 मिलियन डॉलर का अपने को मिलेगा। चलते हैं भाई, देख लेते हैं। ऑल दो पैसे अपने पास इतने नहीं है, बट देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो कोई ना कहीं से अरेंज कर लेंगे अपन। चल भाई बैठ। तो गाइस फाइनली अपन ये वाला शोरूम तो देख लिया था, ठीक है। बीच वाला तो अपने को खास जमा नहीं इतना, बट बुरा भी नहीं लगा मेरे को, ठीक है, प्राइस देखते हुए। बट अभी अपन जा रहे हैं महंगे वाले शोरूम को देखने। चलो यार, एंड वो शोरूम थोड़ा ना शहर के बीच में है, इसलिए उसके प्राइस भी ज्यादा है, एंड भाई वो कुछ बड़ा भी ज्यादा ही है, ठीक है, ये बोल रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है यार, चलते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलो, क्या भाग रही है ब्रो, रॉल्स रॉयस बहुत बढ़िया, क्या कट मार रहा हूँ ना मैं, एक्सपर्ट लेवल की ड्राइविंग चलती है, ठीक है, यहाँ पे नूब्स का काम नहीं है भाई, ओके, ओनली प्रोज। एंड यहाँ से गाड़ी ऊपर चढ़ानी है मेरे को, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एंड गाइस वैसे ना मेरे को अभी एक चीज याद आई है कि माइकल अभी हाल ही में 300 मिलियन डॉलर्स का नया शोरूम खरीदा है, बहुत बढ़िया यार, अपने पास भी हो जाएगा तो बढ़िया ही है। एंड गाइस ये आ चुका है अपना दूसरा शोरूम, जो बंदा बोल रहा है ये वाला है। एंड मेरे को जितना याद आ रहा है ना ब्रो, ये वाला शोरूम तो शायद वही शोरूम है जो कि अपन ने बहुत ही ज्यादा पहले, मतलब तुम्हें से काफी कम लोगों को पता होगा, देखो जब मेरे अराउंड 80-90 या शायद 50,000 सब्सक्राइबर्स थे, तब मैंने एक शोरूम खरीदा था जो कि था फरारी का हेडक्वार्टर्स। एंड सेम टू सेम वैसे ही मेरे को ये दिख रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक बार अपन इसको अंदर से देखते हैं। एंड ब्रो ऐसा सेम टू सेम लगभग दिखने वाला माइकल ने भी हाल ही में शोरूम खरीदा है, ओके, मैंने मान रहा हूँ, समझ में आ रहा है मेरे को, ठीक है, ये तो वही है यार जो फरारी का हेडक्वार्टर हुआ करता था ना बहुत पहले, सेम टू सेम वैसे ही बनाया उन्होंने वापस से, बहुत सही यार, क्या बात है। देखो कॉपी करना बुरी बात नहीं है, ठीक है ना, इतना कॉपी कापी चल जाता है, ओके गाइस। तो मैं मान लेता हूँ उन्होंने प्राइवेट शोरूम खोला है ये एक, लेकिन ये है सेम टू सेम फरारी जैसा, ये शायद सर्विस वाली जगह है बिल्कुल, यहाँ पे ना गाड़ी लाके खड़ी कर देते हैं अपन। देखो यार मेरे को तो काफी हद तक याद है, यहाँ से नीचे जाएंगे, देखो नीचे भी जा रही है सीढ़ियाँ, एंड नीचे होगा सर्विस स्टेशन जितना मेरे को याद आ रहा है ना, फरारी में तो कुछ ऐसे ही था, अभी जाके देखता हूँ मैं। ओके ब्रो, तो फाइनली ये सर्विस स्टेशन भी आ चुका है, देख रहे हो काफी हद तक सेम बनाया भाई, टू कॉपी कर दिया मेरे हिसाब से तो उन्होंने। एंड यहाँ पे सर्विस होती है कार्स की, ओके बहुत बढ़िया भाई। देखो माइकल ने भी ना कुछ कुछ हद तक ऐसे खरीदा है, उसका रीजन ये कि जो कंपनी ये शोरूम अपने को बेच रही है ना, गैलेक्सी कंपनी नाम है उसका, ठीक है, वही सेम टू सेम कंपनी दे रही है माइकल को शोरूम। माइकल ने 300 मिलियन डॉलर से खरीदा है बिकॉज़ की लोकेशन थोड़ी ज्यादा सही है, ओके, थोड़ी मस्त पहाड़ों में है, अपनी लोकेशन इतनी बढ़िया नहीं, इसलिए अपने को 30 मिलियन डॉलर का मिल जाएगा ये। बट ब्रो मेरे हिसाब से यार 30 मिलियन डॉलर में काफी बढ़िया चीज अपने को मिल रही है, ठीक है, एंड ऊपर शायद मेरा खुद का ऑफिस होगा यहाँ पे, है ना, एंड दो मैनेजर्स का होगा जितना मेरे को याद आ रहा है। चलो हाँ, देखो मैं कह रहा था ना सेम टू सेम वैसे ही, शायद थोड़ा काम बच रहा है अभी, ठीक है, यहाँ पे दीवार खड़ी कर देंगे ये, तो ये वाला एक मैनेजर का ऑफिस है, ये वाला दूसरे का है, ये सामने वाला भाई अपना है, ठीक है ना, अपना वाला ऑफिस है ये वाला, ओके। तो गाइस इन्होंने काफी कॉपी कराया, ठीक है ना, पूरा का पूरा कॉपी कर लिया इन्होंने फरारी वाले शोरूम से, बट कोई नहीं, अभी अपने को 30 मिलियन डॉलर का बेच रहे हैं। अभी दिक्कत क्या है, देखो मेरे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना यार, तुम्हें पता है अभी लेस्टर को छुड़वाना है, वो विंटेज कार में पैसे लगा दिए, अभी गोल्ड में पैसे लगाएंगे अपन, ठीक है, गोल्ड का तो मैंने सोचा थोड़ा नकली गोल्ड अपन चिपका देंगे, किसी को पता लगेगा नहीं, ठीक है, वो तो मेरा ये प्लान है, बट स्टिल भाई मेरे पास 30 मिलियन डॉलर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो एक तरीका तो यह है कि ब्रो या तो मैं मेरा इंडियन कार शोरूम बेच दूं, ठीक है, लैम्बो को तो मैं इसलिए नहीं बेचूंगा बिकॉज मैंने हाल ही में खरीदा है तो अपन बेचेंगे नहीं उसको, तो या तो मैं अपना इंडियन कार शोरूम बेचता हूँ तू ही जाके ये आएगा। ऑल दो अपन इसके अंदर कार्स रख सकते हैं, अपनी कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर अपन अपनी सारे इंडियन कार्स रख सकते हैं, ठीक है ना। एंड भाई ये इंडियन कार शोरूम से काफी बड़ा भी है, तो मेरे हिसाब से तो खरीद लेना चाहिए, बिकॉज तुम देख रहे हो यहाँ पे 3 कार्स आ सकती है, इस तरफ 4-5 कार इजिली आ सकती है भाई, इस तरफ कार्स आ सकती है, तो अपन कर तो सकते हैं, ठीक है। तो तुम लोग मुझे कॉमेंट करके बताना भाई कि अपन इसको खरीद ले क्या, एंड इसको खरीदेंगे तो भाई अपने को इंडियन कार शोरूम बेचना पड़ेगा। तो तुम्हें ना मेरे इंस्टा आई डी दिख रहा होगा, जाके यहाँ पे गाइस वोट करो, बिकॉज यहाँ पे मैं तुम लोगों से स्टोर में पूछने वाला हूँ कि क्या मेरे अपने इंडियन कार शोरूम को बेच दूं या नहीं, एंड क्या मैं उसको खरीदूं कि नहीं, ठीक है। तो मेरे को इंस्टा दिख रहा होगा, फॉलो करो। फाइनली अपने को ये शोरूम मिला है जो कि मेरे को काफी बढ़िया लगा है, काफी सस्ते में पड़ रहा है, एंड माइकल के पास भी लगभग इस तरह का शोरूम मिला है यार। तो बस ब्रो ये कुछ आज का वीडियो के लिए था, आई होप दैट यू लाइक इट, कमेंट करके जरूर बताना है तुम्हें क्या लगता है शोरूम खरीदे नहीं खरीदे, इंस्टा पे जाकर मेरे को फॉलो करो, 40K जल्दी होने वाला है। अच्छी बात बताऊं, अपना नया वाला सिल्वर प्ले बटन भी आ चुका है, ठीक है, मैं जल्दी स्टोर डालूंगा उसकी। तो खत्म करते हैं इस वाले वीडियो गाइस, #game खरीदना तो है ये शोरूम यार, तुम लोग बस वोट कर दो, ठीक है यार, मेरे को बड़ा मजा आएगा।